आपको लगता है कि ये 24 का चुनाव आने वाला है और पिछले बार भी पुलवामा का जो कांड हुआ है उससे मिलता जुलता है ये, और केंद्र सरकार के कहीं न कहीं उसमें साजिश का नजारा दिखाई दे रहा है कि केंद्र में बैठी हुई जो एनडीए की सरकार है वो वैसा काम करेगा कि अभी हिंदू मुसलमान का नारा देगा और सैनिक पर हमला हुआ है, ये बहुत दुखद बात है। चाहे जिनके द्वारा हमला हुआ हो देश हमें, लेकिन केंद्र सरकार इस पर जवाब दे कि आखिर किन कारणों से उन पर हमला हुआ है, ये केंद्र सरकार से हम जानकारी लेना चाहते हैं। और जो गृह मंत्री हैं, मैं उनसे, जो कि बिहार एक हफ्ते में आ रहे हैं, लग रहा है कि यही लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है, क्योंकि यहाँ अपना जमीन घिसकता दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पर आग लगाने के लिए आए हैं, फूट डालने के लिए आ रहे हैं। एक बात आप लोग जान लीजिए कि जिस तरह से अंग्रेज फूट डालो राज करो की नीति अपनाया था, उसी तरह बीजेपी के लोग भी, बीजेपी का भी एजेंडा है कि देश में आग लगाओ और लूटो। कुत्ता कभी जलता है आग लगने पर? कुत्ता नहीं जलता है, हम आप जल जाते हैं, सामान जल जाता है, कुत्ता भाग जाता है। केंद्र में बैठी हुई सरकारें सारे जगहों में आग लगा रही है। जो बीजेपी के हैं बड़े नेता अपनी बेटियों की शादी मुसलमानों से कर रहे हैं, ये कैसे चलेगा? दोहरी नीति नहीं चलेगी, दोहरी नीति नहीं चलेगी। जब कोरोना आया था तो प्लाज्मा जो है मुसलमान से लिया जाता था, हिंदू के लोग लेते थे, हिंदू दिया करते थे प्लाज्मा देश का। अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस को राज्यसभा मेंबर बनाया जाता है रिटायरमेंट के बाद, तो उसे समझ में आती है कि क्या मामला है। न्याय व्यवस्था पर आप सवाल उठा? नहीं, न्याय से सवाल नहीं, हमको न्याय पर पूरा भरोसा है, लेकिन ये लोग दखल अंदाजी कर रहे हैं, ये एनडीए के लोग दखल अंदाजी कर रहे हैं, न्यायपालिका को भी मिल डाउन करना चाहते हैं, हमको पूर्ण रूप से न्याय। बताइए जल्दी, दौड़ा दौड़ी 10 माइक लगा देगा।